हम आए हैं गंगा नदी पे वॉक करने, और आप देख सकते हैं पानी कितना है। ये सारे कचरा पानी है, सब लोगों के घरों से निकला हुआ है कचरा पानी। सभी गंगा नदी में मिल रहा है। अब देख सकते हैं गंगा नदी का क्या हाल है। और हम गंगा को माँ मानते हैं, और गाय को भी माँ मानते हैं, और महिला की इज्जत करते हैं। लेकिन देखिए तीनों का कंडीशन आप देख सकते हैं क्या है हमारे देश में, समाज में आज बहुत स्त्री खड़ा हो चुकी है। दिनेश, गाय को माता मानते हैं, गंगा को माता मानते हैं, महिला को इज्जत देते हैं, ये तीनों की स्थिति क्या है हमारे समाज में? ठीक ठाक है अभी फिलहाल, देखा जाए तो ठीक ठाक है कि बहुत से बदतर होते जा रहे हैं। बहुत से बदतर होते जा रहे हैं, महिला की स्थिति में सुधार है, सिर्फ सुधार है, सुधार मैंने। और बाकी बाकी में तो नहीं कर सकते, क्योंकि गंगा जी की तो वही हालत देख रहे हैं, रोज प्रदूषण जो हो रहा है। ये सारे हाइपोक्राइट हैं, हाइपोक्राइट की सीमा को अंत कर चुके हैं। केवल बातों से सम्मान दो, बाकी धरातल पर कुछ नहीं है। गाय को माता मानते हैं, लेकिन आज देख लीजिए बुचरखाने बहुत सारे खुले हुए हैं, डेली कितने गायों को काटा जाता है। लेकिन गाय हमारी माता है, सिर्फ कहने के लिए माता है। तो आप इस पे क्या सोचते हैं, आप अपनी राय रखिए। मेरा राय था, और दिनेश का राय जान लेते हैं। नहीं, ठीक है, राय क्या है? नहीं, गाय को लोग पॉलिटिक्स ज़्यादा भी करते हैं, और बुचरखाने खुले हुए हैं, खुले हुए हैं, जो लोग पॉलिटिक्स राजनीतिक लोग हैं वो समर्थन दिए हुए हैं। आप एक भी बूढ़ी गाय देखे हैं कभी? कभी नहीं देखिएगा, क्योंकि उसको बूढ़े होने से पहले ही काट दिया जाता है बुचरखाने में ले जा करके। सब जाना करते हैं, हाँ तो समझ जाइए जो गाय गाय करता है वो क्या है, पॉलिटिक्स करता है, ओनली दिखावा करता है, धरातल पे कुछ नहीं है।